रेत तस्करी करने वाले एक ट्रक को हुड़केश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वहीं इस संदर्भ में आगे की जांच जारी होने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते द्वारा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार हुड़केश्वर पुलिस और जोन 4 ने संयुक्त कार्रवाई कर रेती की चोरी करने वाले एक ट्रक को जब्त किया है। रणमोचन घाट ब्रह्मपुरी जिला चंद्रपुर से ट्रक आ रहा था, जिस दरमियान जयसवाल ढाबे के पास पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते ने अधिक जानकारी साझा की। हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत धनफोर पथक आणि हुड़केश्वर पुलिस यांनी संयुक्त कारवाई केलेली आहे। रणमोचन घाट ब्रह्मपुरी जिल्हा चंद्रपूर इथून एक रेतीचा ट्रक क्रमांक MH40BL9767 ह्या ट्रकने आरोपी नामे दीपक कोल्हे हा रेती घेऊन येत होता, त्याला जयस्वाल ढाब्याजवळ आपल्या पथकाने पकडलेला आहे। त्याच्यावर पोस्टी हुड़केश्वर इथे कलम 379 गुन्हा दाखल करण्यात आलेला। ट्रक हा ओव्हरलोडसुद्धा होता, त्याचं वजन करण्यात आलेलं आहे आणि ट्रक चालक ट्रकचा मालक सचिन रामटेके व त्यांनी ज्या ठिकाणून रेती आणली होती त्या घाटाचा ठेकेदार आणि मुकादम या सर्वांविरुद्ध पोलीस स्टेशनचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सध्या एक आरोपी आहे आणि त्या आरोपीची PCR घेतलेली आहे, अधिक तपास करीत आहोत। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक दीपक कोल्हे, ट्रक मालिक सचिन रामटेके समेत अन्य 2 के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वहीं आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवा BCN News नागपुर।